रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिया एक बहुत ही सुंदर और चुलबुली लड़की थी, पर वो अपने कद से बड़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी कम हाइट होने की वजह से उसको सब बोनी कहकर चिढ़ाया करते थे। पर सिया का दिल बहुत ही साफ था, इसीलिए वो कभी भी किसी की भी बातों का बुरा नहीं मानती थी और उन्हें बड़े ही प्यार से जवाब देकर चली जाया करती थी। सिया की शादी की उम्र हो चुकी थी, तो वहीं उसकी माँ निशा और पिता तेज को उसकी शादी की टेंशन होने लगी थी, क्योंकि लड़के वाले आकर सिया की कम हाइट का मजाक बनाकर वहाँ से बिना रिश्ता किए चले जाया करते थे। जिस पर एक दिन तेज अपनी बीवी से बोलता है, मैं अपनी बेटी सिया की शादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ निशा, चाहे मुझे लड़के वालों को मुंह बोले पैसे क्यों ना देने पड़े, जरूरत पड़ी तो अपना ये घर भी बेच दूंगा मैं, पर सिया को उसके ससुराल भेज कर ही मैं गंगा नहाऊंगा। जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारी बेटी की शादी जरूर होगी, अरे हमारी सिया की ही हाइट कम थोड़ी ना है, दुनिया में और भी बहुत लड़कियां हैं उसके जैसी। मैंने सिया के लिए एक और रिश्ता देखा है, सूरज नाम है उस लड़के का, कल अपनी माँ कमला के साथ हमारी सिया को देखने आ रहा है वो। इतना सब बोलकर तेज सोने के लिए चला जाता है। तेज के बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की वजह से सिया को सिर्फ अपने पापा से ही डर लगता था, और उनके अलावा वो अपनी कम हाइट होने की वजह से पूरी दुनिया का सामना डटकर कर लिया करती थी, पर अपने पिता के आते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाया करती थी। सिया को देखकर ऐसा लगता था कि मानो जैसे वो गूंगी हो गई है। निशा सिया को एक दिन तैयार करते हुए उसके रिश्ते के बारे में बताती है, जिस पर सिया उससे कहती है, माँ अगर पिताजी के इतना करने के बाद भी लड़की वालों ने मना कर दिया तो माँ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लड़का बनकर आप दोनों की सारी उम्र सेवा करें, हमारे अलावा आप दोनों का है ही कौन, और रही बात शादी की तो ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे लिए कोई बना ही ना हो। हट पागल, भला कैसी बातें करती है तू, देखना तेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में होगी जैसे तेरे पिताजी चाहते हैं। निशा सिया को तैयार कर देती है, तो वहीं लड़के वाले भी उनके घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सिया उन सभी के सामने चाय नाश्ता लेकर आती है, और कमला सिया को देखकर उसे पसंद कर लेती है और बोलती है, भाई साहब हमें तो आपकी सिया बहुत पसंद है, बहुत ही गुणी लड़की है, बस जरा इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, पर क्या हुआ अब हर इंसान की हाइट लंबी चौड़ी हो ये जरूरी थोड़ी ना है, क्यों भाई साहब? जी जी बिल्कुल, ये तो आपका बड़कपन है, और आपने हमारी सिया को अपना लिया, इसी से पता चलता है कि आप कितने अच्छे परिवार से हैं। जी जी बिल्कुल भाई साहब, ये सारी बातें तो होती ही रहेंगी, तो क्यों ना आप थोड़ी काम की बातें कर ली जाए, वही जो दुनिया का दस्तूर है, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, मेरा मतलब है कि थोड़ा बहुत लेन देन। तेज कमला की बात समझ जाता है और दोनों घर के बाहर जाकर लेन देन की बातें करते हैं, जिसमें कमला 10 किलो सोना और अपने बेटे के नाम पर एक घर की डिमांड रखती है और बोलती है, देखिए भाई साहब मैंने आपसे एक रुपया नहीं मांगा, और जो गहने और घर आप देंगे वो हमारा थोड़ी ना होगा, वो तो आपकी बेटी का ही होगा और उसके उज्जवल भविष्य में ही काम आएगा, समझ रहे हैं ना आप? तेज कमला की शर्त को मान लेता है और अपनी बेटी का रिश्ता सूरज के साथ पक्का कर देता है। तेज अपनी सारी सेविंग्स, एफडी और लोन लेकर कमला की सारी डिमांड्स को पूरा करता है। कुछ ही दिनों के बाद सिया और सूरज की शादी हो जाती है। गहनों से लदी हुई सिया जब अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां उसका कोई स्वागत नहीं करता और सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ये देखकर सिया को बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने पिता की खातिर कुछ नहीं बोलती और सूरज के पास पहुंच जाती है, जहां सूरज शर्ट लेस किसी और लड़की के साथ होता है। ये सब देखकर सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, आपकी बीवी तो मैं हूँ ना, तो ये लड़की कौन है? ये लड़की ये है मेरी गर्लफ्रेंड आयशा, ये है मेरा सच्चा प्यार, तुम नहीं, तुम अपने ये जेवर देख रही हो और वो घर,
बस इन सब के लिए मुझे तुमसे मजबूरन शादी करनी पड़ी, समझी? और अब जाओ यहाँ से। इतना बोलकर सूरज उसको अपने कमरे से निकाल देता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो जाता है। वहीं सिया बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह ये सारी बातें वो अपनी सास को बताती है, जिस पर कमला उससे कहती है, अरे क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है, सब पता है मुझे, और जाकर सबके लिए चाय बना कर ले आ, बहुत थकान हो रही है। मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ, बल्कि इस घर की बहू हूँ, और मुझे अपना हक अच्छे से लेना आता है। मैं आप सबके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगी, और हाँ, अपने पिताजी को भी आप सबके बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। अच्छा, तो तेरे मुंह में जुबान भी है और इतनी जल्दी खुलने लगी? अरे तो खुद तो इतो सी है और तेरी जुबान कैची की तरह लंबी। अभी बताती हूँ मैं तुझे, देख तो सही तेरा बाप तेरी बातों का विश्वास कैसे करता है। इतना बोलकर सूरज और कमला दोनों ही एक साथ मिलकर उसे चेयर से बांध देते हैं और तेज को फोन मिलाकर कमला उससे बोलती है, भाई साहब हमने तो सोचा था कि आपकी बेटी गाय है गाय, पर हमें क्या पता था कि इस गाय के सींग भी है। क्या हुआ समनन जी, सिया ने कुछ किया? अरे आपकी उस बोनी बेटी ने हमें नौकर बोला है, बोलती है कि मेरे बाप ने तुम्हें मेरे लिए खरीदा है और अब सब कुछ मेरे ही हिसाब से चलेगा। अरे इस बात पर उसके पति सूरज ने थोड़ा सा डांट क्या दिया तो हमें धमकी देती है कि अपने बाप के पास जाकर बताएगी कि हमने कैसे उस पर अत्याचार किए हैं। देख लीजिए आपकी बेटी के लक्षण। तेज से बात करने के बाद कमला उसको घर से धक्के मारकर निकाल देती है, पर बेचारी सिया अपने पिता के घर नहीं जाती, ये सोचकर कि उसके पिता उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, और वो चलते चलते बहुत थक जाती है। तभी वो एक बस स्टॉप के पास पहुंचती है, जहां पर वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है कि अचानक वहां पर उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसके सारे गहने लेकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहां सौरभ नाम का एक लड़का आता है, जिसकी हाइट भी सिया की तरह ही कम होती है। वो आकर सिया की मदद करता है और उन गुंडों से सारे गहने लेकर सिया को वापस कर देता है, और साथ ही उसे ऐसे उदास और रोता हुआ देखकर सौरभ उसकी परेशानी पूछता है, जिस पर सिया बहुत ही जोर जोर से रोते हुए उसे सब बताती है। सौरभ उसको समझाता है और वापस उसके घर ले जाता है, जहां पर सिया अपने साथ हुए सारे अत्याचारों के बारे में अपने पिता को बता देती है। तभी तेज अपनी बेटी को अपने गले से लगाकर बोलता है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत समझा और ऐसे घर में तेरी शादी करा दी। नहीं पिताजी, आप सॉरी मत बोलिए। तेज दोबारा अपनी बेटी को अपना लेता है और उसके ससुराल वालों को धोखे से शादी करने के जुर्म में जेल के अंदर भिजवा देता है। देखते ही देखते सिया और सौरभ एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ ही समय के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सिया अपने नए ससुराल पहुंचती है, जहां पर उसके घर वाले उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उसके बोने होने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सिया अपने ससुराल वालों के साथ और अपने पति सौरभ के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये बोनी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।